मेहमान मंडल, दुर्गा मंडल, एक कमंडल, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम्, मरणशील मनुष्य को क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, देखो आप सब साधन जानते हो, और जितने लोग हमारी बात मानते हैं, जिनके माथे पे तिलक दिख रहा है, तुलसी दिख रही है, गले में हाथ में माला झोली दिख रही है, शिष्य दो प्रकार के होते हैं, एक अपने गुरु के कहे हुए हर एक शब्द को सत्य मानते हैं, और एक ठीक है बात हो गई तो देखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। दो प्रकार के चेला होते हैं, हमारे मतलब की बात है तो बोले गुरु जी बहुत अच्छे हैं, और गुरु जी ने कह दिया भजन करो, साधना करो, ये करो, हाँ गुरु जी अब क्या करें, समय नहीं मिलता, तो अपने अपने हिसाब से हम लोग सेटल करते हैं। पर ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन जीना है तो एक बात समझो, हम पशु नहीं है, हम मनुष्य हैं। क्या खाना चाहिए ये समझो, क्या पीना चाहिए ये समझो, कहां जाना चाहिए ये समझो, कहां नहीं जाना चाहिए ये समझो, क्या बोलना चाहिए ये समझो, क्या नहीं बोलना चाहिए ये समझो। यहां पर कहा है क्या करें, किसका भजन करें, भजनीय कौन है, किसका भजन करें, किसका त्याग करें, किसका श्रवण करें, किसको स्वीकार करें, जाप किसका करें। ध्यान से सुनना, गंगा जी पे जा रहे हो, वहां दो आदमी बैठे हो, कुछ ताम फूंक कर रहे हो, फूंक फांप फूंकने की बातें कर रहे हो, वहीं माताएं सबसे पहले बैठी, बाबा ने हमारे भाग्य बता दे, फूट रहो हमारा भाग्य, लोड़ी ले ले और फूल ले वाए, कोई मिल जाए कोई, बाबा छोरा नौकरी ना लग रही, बाबा पति ना मानो पी के हाथों है, बाबा जिना, अरे क्या कर रहे हो तुम। बाबा ने कह दिया जाओ ये नमक ले जाओ, ये ले जाओ, सौंठ भर लो, हल्दी भर लो, मिर्च भर लो, और पति की चोटी से बांध के अपनी चोटी सो जाना रात में, कल पति तेरे बस में हो जाएगा। बाबा चमत्कारी है बाबा, तो किसी के भी बाप कहीं पहुंच जाओ, एक चीज जरूर सुनने को मिलेगी, तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है। ले हमें तो ऐसी लग रही बाबा तेरे ऊपर करवा रखो का उन्हें, हम सब पर अगर किसी ने करवा रखा है तो वो हमारा कृष्ण है, जिसने अपनी कृपा करके हमें अपने चरणों में लगा रखा है। मैं आपको सच बोलता हूं, जिन्होंने कन्हैया के चरणों को पकड़ रखा है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि वो मेरे कन्हैया के भक्तों के ऊपर कुछ करवा रखे, मतलब ही नहीं, बस पकड़ के बैठ जाओ, अधूरा विश्वास ना हो, पूरा हो। आधा अधूरा सिस्टम होगा तो बात नहीं बनेगी, पूरा सिस्टम होना चाहिए, कोई कुछ नहीं करवा सकता तुम पे। कुछ भी उल्टा किसका जाप करें, भगवान ने गीता में कहा है जो मनुष्य जिसकी पूजा करता है वो उसी के धाम में जाता है और फिर वहां से वापस आता है, और अगर भूत प्रेत की पूजा करता है तो वो भूत प्रेत की योनि में जाता है और दुख पाता है, लेकिन जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी शरणागति स्वीकार करता है, वो मेरे धाम में आता है और वो फिर कभी मेरे धाम से वापस नहीं आता। अब हमको बताओ किसकी पूजा करनी चाहिए, बोलो किसकी पूजा करें, हम आपको बताएंगे आगे किसकी पूजा करने से क्या मिलता है, भागवत का धर्म है, ऐसे नहीं है।